एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, शनिवार का दिन है और बस अभी मैंने अपने घर के काम करने शुरू किए हैं। और पता है, कभी कभी ना बिल्कुल इच्छा नहीं करता फ्रेंड कुछ भी करने का। इतना ज़्यादा ना थका थका सा लगता है ना, मन ही नहीं करता कि घर का कोई काम वाम करो। मन करता है चुपचाप लेटे रहो लेटे रहो, चाय मिल जाए, पानी मिल जाए और बस लेटे रहो लेटे रहो। कभी कभी ना ऐसा ही सिचुएशन आता है। रिसांग का जब स्कूल रहता है ना, तो फिर तो मेरे को कितना भी आलस आए, मुझे जल्दी उठना पड़ता है और काम फटाफट जो है वो निपटाना पड़ता है। लेकिन निशांग का जो स्कूल है नहीं, और जब मतलब रिशांग के साथ था ना, जब वो बच्चा था ना, तो जब मैं सो के उठती थी ना मॉर्निंग में, तो उसकी ये आदत नहीं था कि वो मेरे साथ ही उठ जाता, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे छोटे वाले बेटे का ना यही आदत है कि जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे ही वो उठ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसका फिर से मालिश करके, उसको दूध पिला के, तो ये सब में ना मतलब 45 मिनट तो लग ही जाता है ये सब करने में। तो सुबह उठते ही 45 मिनट, 1 घंटा तो मेरा छोटा वाला बेटा ही ले लेता है। चाहे कितनी भी जल्दी उठो, लेकिन वो 1 घंटा टाइम जो है ना वो ले ही लेता है। और उसके बाद अभी जो है ये सारे कपड़े को फोल्ड करके रख देती हूँ। ये एक बहुत बड़ा काम होता है, कपड़े को तह लगा के रखना, क्योंकि अरेंज करके कपड़ा रखना भी मेरे लिए ना बहुत बड़ा काम। और ये काम करने का मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है, मजबूरी में करती हूँ कि अगर नहीं करूँगी तो कपड़ा तह लगा के नहीं रखूँगी तो फिर जब मतलब कैसे होगा, है ना। तो इस वजह से तो ये काम मैं खुशी में नहीं करती हूँ, ये काम मैं मतलब मजबूरी में करती हूँ। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं रहती कि मैं ये काम जो है वो करूँ, बट चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हो। तो बस यहाँ पे ये कपड़ा ना थोड़ा सा गीला गीला टाइप में था, तो मैं सोची इसको डाल देती हूँ चेयर पे, ये सूखते रहेगा। तब तक घर में थोड़ा बहुत सा जो झाड़ू वाड़ू है वो लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं ना, तो मेरा एक आदत है कि मैं पूरे घर को झाड़ू वाड़ू जो है ना वो लगा लेती हूँ। जब मेरी काम करने वाली जो है रंजना, वो जिस दिन नहीं आती है तो मैं पोछा ओछा भी सब अर्ली मॉर्निंग लगा लेती हूँ। लेकिन जिस दिन उसके आने का रहता है कि नहीं वो आएगी, तो फिर मैं वो काम नहीं करती हूँ। लेकिन सुबह में एक बार अपने घर में अपने खुद से झाड़ू जो है मैं लगाती हूँ। सुबह उठते ही पहला तो ये काम मेरा ना रहता ही रहता है। तो देखिए, सारे कपड़े को मैंने कर लिया है फोल्ड, और पता है वो कपड़े हो भी जाते हैं, अगर एक दिन आप कपड़ा नहीं धोइए और दूसरे दिन सारे कपड़े धोइए, फिर तो लगेगा कि कपड़ों का बाज़ार लग गया है। पूरा वॉशिंग मशीन के ऊपर इतना कपड़ा हो जाता है ना कि मैं ना देख के खुद ही परेशान हो जाती हूँ कि भाई सब इतना कपड़ा आ कहाँ से गया। मतलब मेरे अंदर यही फीलिंग होता है, इतना कपड़ा कहाँ से आ गया। तो चलिए, मशीन में अगेन थोड़ा बहुत सा कपड़ा जो है वो लगा देती हूँ, सॉरी लगाने देती हूँ, लगाई हुई थी उसको निकाल रही हूँ। डोरमेट और किचन का कुछ कपड़ा जो होता है वो, तो वो सब मैं इसमें डाल के रखी थी। तो अभी इसको निकाल के धूप में डाल देंगे कि थोड़ा सा मतलब ये सब सूख जाएगा। हालांकि मशीन का रहता है ना, तो उतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं सूखने में, डोरमेट भी ना बहुत जल्दी अच्छे से सूख जाता है। तो अभी यही सब कर लेते हैं। और सुबह उठती हूँ ना, तो मैं गर्म पानी ये सब पी लेती हूँ। और मुझे ना चाय वाय पीने का उतना आदत है नहीं, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है चाय वाय। चाय ना मुझे ठंडे में अच्छा लगता है कि सुबह उठो तो चाय कॉफ़ी ये सब पियो, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है ना, वैसे वैसे ना हमको चाय कॉफ़ी ये सब हमको। उसके बाद लगा लेंगे अब पूरे घर में झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा बहुत सा बर्तन भी है, बर्तन भी धो लूँगी। और होता क्या है पता है आपको, होता क्या है ना कि जब आप काम कर रहे हो ना, फिर मतलब टाइम का ना पता भी नहीं चलता है। और इसके बाद ना मुझे पैकिंग वैकिंग भी करना है ससुराल जाने के लिए, तो वो सब भी एक बहुत बड़ा काम होता है पैकिंग करना। और पता है, पैकिंग करने का ना बिल्कुल इच्छा नहीं करता है। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग जो है आई थिंक ससुराल का आएगा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा दिन के लिए ससुराल नहीं जा रही हूँ, 1 दिन 2 दिन के लिए ही जा रही हूँ। तो
थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लॉक्स वहाँ तो टाइम से नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास वाईफाई अवेलेबल नहीं होता, और यहाँ पे है कि चलो वाईफाई है तो यहाँ पे तो वीडियोस मतलब बहुत जल्दी ही अपलोडिंग हो जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से अपलोड होता है ना, इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है वीडियोज़ अपलोड करने से लेके पब्लिशिंग तक का टाइम ना बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। एक ब्लॉग को एडिट करो, फिर मोबाइल डाटा से अपलोडिंग करो, गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो देखिए, मेरे झाड़ू वाड़ू मैंने पूरा लगा लिया है, और ये हमारा जो घोड़े साहेब है ना, इनको मेरा बेटा ना पूरा घुमाते रहता है घर में। अभी तो एक ही बेटा घुमा रहा है, अभी तो कुछ दिन के बाद जब मेरा छोटा बेटा चलने लगेगा ना, तो वो भी इस घोड़े को घुमाते घुमाते बेचारा को परेशान कर देता है, और मैं इस घोड़े का कान पकड़ के इधर से उधर उधर से इधर मुझे इसको रखना पड़ता है। सो चलिए, ये सब तो हो गया, झाड़ू वाड़ू लगाने का जो काम है वो मैंने निपटा लिया है। अब चलिए चलते हैं किचन में, किचन में आए हैं, थोड़ा बहुत सा सामान जो है उसको अरेंज कर देते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत सा बर्तन है उसको धो लेते हैं, क्योंकि कल रात में ना बर्तन धोए नहीं थे। बाबू छोटा वाला इतना रोने लगा था ना, कि फिर मैं उसको लेके उसका मालिश वालिश करके फिर उसके साथ सोई, कि मतलब वो सो जाएगा तो फिर मुझे भी नींद आ गया, मैं भी सो गई, तो इसीलिए ना बर्तन वर्तन अभी बचा हुआ है। और मैंने आज मेड को मना कर दिया था नहीं आने के लिए, रंजना को जो हमारी हाउस हेल्पर है, कि आप आज नहीं आइएगा, क्योंकि मेरे को जाना था सुबह सुबह ही, तो मैं सोची कि उसको आने में टाइम लग जाएगा, फिर घर का काम करने में टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं ही खुद सुबह सुबह फटाफट से सारे काम जो है वो निपटा लूँगी। तो बस ये सब पहले अरेंज कर लिया है, डब्बा इधर से उधर हो रखा था तो उन सबको अरेंज कर लिया है, और ये मतलब ये आटा जो था ना नया आया है पैकेट, तो वो अभी मैंने डब्बे में डाला नहीं, अभी डालूंगी भी नहीं, आती हूँ ससुराल से, फिर डब्बा को धो के उसके बाद ये आटा जो है उसमें ना डालेंगे। सो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो, चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबके पास जाएगा गाइज, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कमेंट्स क्या कीजिए, मुझे अच्छे लगते हैं आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो रिप्लाई करने में भी ना बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जिसका मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या ही रिप्लाई। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सभी, आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो मैं भी चाय जो है वो बैठाई हूँ, और गर्म गर्म पानी जो है वो मैंने पी लिया, हस्बैंड ने पी लिया है। सो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा, और मशीन में थोड़ा बहुत सा कपड़ा है धुलना, लेकिन अभी नहीं धोई हूँ, अभी कल रात को ही ना मैं थोड़ा सा ये जो डोरमेट सब है ना
वो सब धो दी थी कल रात में ही, मशीन लगा दी थी तो सारे डोरमेट धुल गया था, तो अभी सुबह सुबह सबको डाल दिए और धूप में सूखने के लिए। होता क्या है ना, डोरमेट इतना जल्दी आजकल गंदा हो जा रहा है ना सिर्फ रिशांक की वजह से। क्या करता है रिशांक कि बाहर पानी देता है पूरा, और पानी देता है और पानी देने के बाद मिट्टी मिट्टी गिर जाता है गमले में का, और उसी में से पैर लेके ना पूरा डोरमेट में ना पोछ लेता है इसके वजह से। तो चलिए घर वर तो पूरा साफ सुथरा हो चुका है, और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करूँगी और आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं अच्छे अच्छे रिप्लाइज दूंगी आप लोगों को। और मेरा गला पता नहीं क्या ही हो गया, मेरा गला ना ऐसे ही हो जाता है, ठंडा में भी प्रॉब्लम मेरे गले को, गर्मी में भी प्रॉब्लम। जैसे अभी सुबह सुबह उठी था, गले से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था मेरे कि मैं बोल पाऊँ, तो फिर मैंने इसीलिए सुबह से कुछ बोला नहीं, फिर गर्म गर्म पानी पिया है, तो फिर अभी मेरा थोड़ा सा ठीक है। तो अभी चाय बढ़ा दूँ यहाँ पे हस्बैंड के लिए, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। सो गर्मी के टाइम पे मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्मी के टाइम पे आप नींबू पानी दे दीजिए, जूस दे दीजिए, ये सब मुझे छाछ है, ये सब मुझे गर्मी के टाइम पे पसंद है, लेकिन चाय नहीं पसंद है। चाय या कॉफ़ी ना ठंडी के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि चाय ये सब पियो, कॉफ़ी पियो ठंडा के टाइम पे वो भी। तो चलिए मेरा नेल्स का हालत देखिए, कितना बुरा नेल्स का हालत है। ये वाला भी नेल पेंट भी मैंने नहीं लगाया है, देखती हूँ आज लगाती हूँ नेल पेंट। बहुत बुरे तरीके से मेरे नेल्स का ये हालत हो गया, और मेरा घाव अभी तक यहाँ इस मुकाम तक आया है। वैसे अभी उतना पेन नहीं होता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा वाला पेन होता था, अभी उतना ज़्यादा पेन जो है ना वो नहीं होता है। पहले तो एकदम से लगता था ना कि मतलब थोड़ा सा अभी भी है कि अगर फिंगर उंगर से मेरा अगर नेल लग जाता है ना तो बहुत दर्द करता है, तो लेकिन वैसा दर्द नहीं है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अगर थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो, चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए। आप लोग आधा अधूरा स्किप कर करके देखते हैं ना, जिसकी वजह से ना ब्लॉग मतलब वीडियोस का रीच जो है ना काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। सो प्लीज़ पूरा देखिए ब्लॉग, फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट ये थी वो थी, तो फिर लेकिन आप लोग ब्लॉग ही नहीं देखिएगा पूरा तो क्या ही आप लोग देखिएगा। सो एनीवे गाइस, चलिए चाय मन के थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।